हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बटर नान बनाना बता रही हूँ तवे पर। तवे में नान बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। 2 कप हमने मैदा लिया है, दही लिया है 3 बड़े चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, शक्कर 1 छोटी चम्मच। आटा गूंदने के लिए एक हम मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें हम मैदा डालेंगे, नमक डाल देंगे, शक्कर डाल दें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तेल और दही डाल दें पहले और अच्छे से मिक्स कर लें। हमने दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ये गर्म पानी है, गुनगुना पानी है, हमें जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। आटा एकदम सॉफ्ट अच्छा गूंद गया है, इसे हम 5 से 6 घंटा के लिए ढक कर रख देते हैं। और अगर आपको इससे जल्दी चाहिए तो इसे गर्म जगह पर रखें। 6 घंटा हो गए हैं, आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, इसकी हम नान बनाएंगे। थोड़ा सा ऐसे करके मैश कर लें। नान में लगाने के लिए हमने बटर लिया है, थोड़े से हमने हरे धनिया को बारीक काट लिया है गार्निशिंग के लिए, हमने कलौंजी ली है 2 चुटकी, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी नान। और पानी लिया है, नान के लिए हमने लोई काट ली है, उसे इस टाइप का कर ले और सूखे आटे में लगा ले। इसे बेलेंगे, गोल या ओवल शेप का बेल सकते हैं आप, हम अभी ओवल शेप का बेलेंगे। ओवल शेप का बीज बेलने के बाद आप थोड़ा सा इसमें नगरेला सीड डालें, थोड़ा सा हरा धनिया, फिर बेल दें। नान बनाने के लिए तवा लोहे का होना चाहिए और ऐसे हैंडल भी होना चाहिए। नान बेलने के बाद इसके बैक साइड में हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी इसलिए लगाते हैं कि तवा में अच्छे से पकड़ ले। तवा भी गर्म हो चुका है, अब हम उसे तवा में डाल देते हैं। इसे हम मीडियम आंच पे 1 मिनट पकाते हैं और देखते हैं कि बबल आने लगे हैं इसमें। बबल आने के बाद हम तवा को पलटी कर देंगे और इसे घुमा घुमा के सब सब सेकेंगे। इतनी आने तक लेंगे। हम सब तरफ से सेक लेंगे। गुलाब ये सीख चुकी है अच्छे से, इसे हम निकाल लेते हैं। और ये दोनों साइड से फंस सीखी है, ये देखिए बटर लगा देते हैं। इसी तरह दूसरे भी बेल लें, सीड डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल दें, बैक साइड पानी लगा लें, इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए बबल आना शुरू हो गए। अब हम इसे उठा के पलटी करके सेकेंगे। इसे भी आप पलटी करें और घुमा घुमा के से निकाल ले। आप अच्छे से बटर लगा ले, ये भी बिल गई है। ये भी हम डाल देते हैं नगरेला सीड्स, हरा धनिया और बेल ले हल्के हाथ से। बैक साइड पानी लगा देते हैं और तवे भी डाल देते हैं। अभी बबल आ गए, फिर भी हम पलटी करके उसी तरह सेक लेते हैं। ये भी सेक चुका है, इसे भी निकाल लें।
अच्छा इसे भी एकदम पके सिक गया है। बटर लगा दें। बटर नान हमारी तैयार हो चुकी है और इतने आटे में हमने 3 नान बनाई है। आप चाहे तो इसे कट करके भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बटर नान तवे पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी है। आप भी घर पर जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।